जी असल हम क्या हालचाल है सब ठीक ठाक हो आवाज़ आ रही है स्क्रीन भी शो हो रही है एक दफ़ा मुझे ये ओके कर दो ताकि फिर हम इसको जो कौन है वो फिर स्टार्ट कर खैर हो ऑफिस से हो कल बस आपका लेक्चर नहीं हो सका थोड़ा सा बिज़ी था तो बस इसी वजह से आज तो पुराने स्टूडेंट्स माशाल्लाह पहले पहले आए हैं ठीक है जी इसका मतलब आवाज वगैरह सारी चीजें क्लियर हैं अच्छा तो आज जोन सा है हमने क्या करना है इस हफ्ते के अंदर मेरी कोशिश है थ्री हंड्रेड एमसी क्यूज है हमारे पास पी एम एस जी के ठीक है तो जो जीके के अंदर हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो हमारे पास वाले जी के हैं तो मेरी कोशिश ये है कि हम इस वीक के अंदर फ्राइडे तक इसको complete करें ठीक है तो थोड़ी सी स्पीड तेज होगी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कम होगी पहले एम सी क्यूज की नस्बत लेकर कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते के अंदर या फ्राइडे तक हम जो है चार दिन है तीन चार दिन के अंदर हम थ्री हंड्रेड एमसी क्यूज अपने जो है वो हम कम्प्लीट कर लें ठीक है तो चले जी स्टार्ट करते हैं कुछ रिपीटेड है जो हमने पहले कर भी लिए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होंगे इस हफ्ते के तो इनको आप लोगों ने लाजमी देखना है पहला हमारे पास जो एम है वो है हमारे पास इन द लाइन ऑफ फायर बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है मुशरफ साहब ने ये किताब लिखी थी इन द लाइन ऑफ फायर तो ये हमारे पास परवेज मुशरफ साहब जो उनकी ये किताब है इन द लाइन ऑफ फायर बुक्स वाला लेक्चर डेज वाला लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोड है तो इंपॉर्टेंट बुक्स और इंपॉर्टेंट डेज ये दोनों जोन से हैं वो आप लोगों ने क्या करने हैं ये दोनों आप लोगों ने याद करने हैं ताकि आप लोगों को इसके अंदर जो है वो कोई मसला ना हो ठीक है तो ये दोनों इनमें से सवाल लागम पूछा जाता है जरा खान की एक किताब है है नॉट मास्टर वो भी पूछी जाती है, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है तो ऑप्शन हमारे पास क्या है इसकी करेक्ट अच्छा जी कूना कूना आपकी जो है ये न्यूज एजेंसी भी पूछी जाती है इसका भी एक लेक्चर रखेंगे किसी दिन तो कुएत की जोसी है वो जो न्यूज एजेंसी है की है वो क्या है वो न्यूज एजेंसी अफगानिस्तान की जो है वो भी पूछी जाती है आरियाना ठीक है अफगानिस्तान की ए ए से अफगानिस्तान और ए से आरियाना तो ए ऑप्शन जो अफगानिस्तान की अगर पूछ ली जाए तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया मोयन कुरेशी अब यहाँ थोड़ा सा इसमें है स्टेटमेंट में मसला ये है कि मोयन कुरेशी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो बने थे लेकिन ये पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे ये थे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या जिसे क्या कहते हैं जो हमारे पास केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आते हैं जो कि आर्जी तौर पर आते हैं इलेक्शन करवाने के लिए आते हैं ठीक हो गया तो वो हमारे पास ये बने थे तो ये हमारे पास जुलाई 1993 के अंदर जो है पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे मोइन इनको इंपोर्ट करके बाहर से लाया गया था तो ये जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 1993 तक पाकिस्तान के क्या है प्राइम मिनिस्टर रहे हैं लेकिन कौन से प्राइम मिनिस्टर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अगेन कहूंगा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर करंसी ऑफ इसराइल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है तो ए ऑप्शन जो है शक्ल ठीक है यूरो आपको पता है यूरोपीय यूनियन के अंदर 19 मुल्क हैं इस टाइम पर 19 मुल्क हैं जो कि यूरो करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं और करंट अफेयर्स में आपको करवा दूंगा दोबारा पहले भी करवा चुका हूं कि यकम जनवरी 2023 से 20वां मुल्क ऐड हो रहा है जो कि यूरो करेंसी को यूज करेगा उसका नाम है क्रोशिया उसका क्या नाम है क्रोशिया तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों ने याद रखना है ठीक है तो ये करंट अफेयर्स में भी आप लोगों को करवा दूंगा यूआन और येन ये भी दोनों पूछे जाते हैं तो ये भी आप लोग इसको देख सकते हो इतना इसके अंदर आपका मसला नहीं है अच्छा जी उसके बाद हम बात करें तो मोनालीजा उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है मोना लीजा जोन है मोना आपके पास जो फेमस पेंटिंग है वो आपकी किसकी है डिवेंशी साहब की ठीक है लोनार्डो डिवेंशी साहब जोन से है उनकी ये पेंटिंग है तो उसके अलावा ये सारे पेंटर्स हैं इनके बारे में सवाल पूछ दो तीन तरह के सवाल पूछे जाते हैं एक तो ये कि ये पेंटिंग किसने बनाई है उसके बाद जो सा है कि ये जैसे वेन गो है इसका नाम पूछ लिया जाएगा तो ये क्या है ये पेंटर है आपका और उसके बाद तीसरी चीज इनके नेशनलिटीज के बारे में पूछा जाता है कि कौन से मुल्क से इनका जो सा है वो ताल्लुक था तो इनका जो सा है वो जो ताल्लुक था जो जिन्होंने मोनालीजा पेंटिंग बनाई उसका ताल्लुक इटली से था फिर वैन वेन गोस जोन है डच जिसको नेदरलैंड भी कहते हो आप जिसको अब जो है वो कह ने कहते हैं और पाबलो पे जोन से है इनकी नाइनटीन के अंदर जो है वो डेथ हुई थी तो ये स्पेन के अंदर जोन है स्पेन से इनका ताल्लुक था तो ये इनकी नेशनैलिटीजी है वो भी पूछी जाती है टोटल मेंबर ऑफ सार्क सार्क क्या है जी पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले या दूसरे लेक्चर के अंदर साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन ठीक है अभी बल्कि करंट अफेयर्स दिसंबर के करंट अफेयर्स के अंदर मैंने आप लोगों को करवाया था मेरे ख्याल में आठ दिसंबर था इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि पाकिस्तान मेरे मेरे ख्याल ख्याल में में कंफर्म कर देना मेरे में दिसंबर था जो कि के के चार्टर डे तौर पर मनाया जाता है अगर मैं गलत नहीं कह रहा ठीक है तो मुझे इसको करेक्ट कर देना कि जी सर आठ दिसंबर ही था मैंने करंट अफेयर्स में करवाया था कि आठ दिसंबर जो ऑनसा है वो चार्टर डे के तौर पर जो ऑनसा है वो क्या है मनाया जाता है ठीक हो गया तो उस आठ दिसंबर नाइनटीन को जो सार्क है ये आपकी जो तंजीम है ये बनी थी

तेरवा समिट हो रहा था इसका नेपाल के अंदर तो वहां जो है ये अफगानिस्तान इसका मेंबर बना था तो सबसे आखिरी मेंबर जो आठवां है वो कौन है अफगानिस्तान है वो क्या है अफगानिस्तान हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है हमजा शहबाज हमजा शहबाज साहब जोन से है जब बने थे उस टाइम पर क्योंकि पी एम एस ये दो के सवाल है तो इस, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है वरना वॉज होना चाहिए था तो हमदा शहबाज साहब जोन से उस टाइम पर जब प्राइम सीएम बने थे फिर उनको हटा दिया गया तो 21 21 जो है ट्वेंटी फर्स्ट जो सा है वो क्या है पंजाब के सीएम बने थे और इस टाइम पे जो परवेज अल्लाही साहब हैं आपके परवेज अल्लाही साहब की बात करें तो परवेज अल्लाही साहब आपके क्या हैं परवेज अल्लाही साहब जोन से 22nd जोन से जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर वो क्या हैं आपके तो ओ सॉरी चीफ मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर कह दिया तो 22nd तो और इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है आपके 23rd जनरल सीट्स इन नेशनल असेंबली अच्छा यहां अब अब देखो अब यहां लिखा होता है ना टोटल सीट्स इन नेशनल असेंबली तो हम क्या करते हैं हम कहते हैं 3 342

ठीक है इसी तरह जोन सा है अगर हम बात करें ठीक बिल्कुल ऐसे ही तो टू सेवेंटी टू जोनसियां ये आपकी सीट्स होती हैं जनरल जिनके ऊपर इलेक्शन लड़े जाते हैं इसके अलावा जोन ये दस माइनॉरिटीज की होती हैं आपकी सीट इसके बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता है दस माइनॉरिटीज की होती है साठ वो विमेन की सीट्स होती हैं अभी दो सवाल पूछे गए थे मैं यहां रिपीट कर देता हूं याद रखनी है एक तो साठ होती है विमेन की दूसरा माइनॉरिटीज के हवाले से दो सवाल पूछे जाते हैं एक ये कि कौमी असम्बली के अंदर माइनॉरिटीज का की सीट्स कितनी है जो नॉन मुस्लिम्स हैं आपके उनकी है दस लेकिन जो सूबाई असेंबली है जो कि पंजाब है वहां कितनी है वहां आठ है ये दोनों सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं और जनरल सीट्स का दोबारा बता देता हूं जनरल सीट्स का क्या मतलब जिसपे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं ठीक है लेकिन अगर ओवरऑल सीट्स पूछी जाए तो वो थ्री होती है लेकिन जनरल सीट्स जिनके ऊपर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वो कितने टू सेवेंटी तो बी ऑप्शन करेक्ट होगी ओ पहले भी इसको देख चुके हैं जल्दी जल्दी खत्म करते हैं सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपोन तो 1969 के अंदर ये फाउंड हुई है 1969 के अंदर ये फाउंड हुई है सेकंड समिट हमने देखा था लाहौर के अंदर अभी इसका हुआ था 1974 के अंदर जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक्सेप्ट किया था और सारे लीडर्स जो आए थे तो ये वही ओ है और इसके आजकल बल्कि नीचे आ गया ओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है जी ओ के सेक्रेटरी जनरल तो इसको भी हम देख चुके हैं हुसैन इब्राहिम ताहा साहब हुसैन इब्राहिम ताहा साहब जो उनसे हैं और इनका ताल्लुक कौन से मुल्क से है हुसैन इब्राहिम ताहा साहब का इनका चैड से अफ्रीकन मुल्क है एक मुस्लिम मुल्क है चैड ठीक है एक मुस्लिम मुल्क है उसका क्या नाम है चैड तो चेड जोन सा जो मुल्क है वहां से इसका हुसैन इब्राहिम ताहा साहब का जो ताल्लुक है तो ऑप्शन हमारे पास क्या है इसकी करेक्ट है मौलाना जलालुद्दीन रूमी मौलाना जलालू ये मैं थोड़ा सा तेज इनके ऊपर इसलिए हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूँ इनमें से कुछ सवाल तो इसलिए मुझे पता है कि ये हम कर चुके हैं तो मैं उनको जरा रिवाइज जल्दी स्पीड में करवा रहा हूं तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब जोन से है ये बल्क के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जगह है वहां जो अफगानिस्तान के अंदर ये पैदा हुए थे तो यह ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या है अच्छा जी द बुक शाहरा पाकिस्तान शाहरा पाकिस्तान उर्दू में सवाल पूछा जाता है इंग्लिश के अंदर इसका पूछा जाता है पाथ वे टू पाकिस्तान ठीक है पाथ वे टू पाकिस्तान तो ये भी जो बुक्स वाला लेक्चर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे ख्याल में वो लेक्चर नंबर सिक्स होगा जी सीरीज का लेक्चर सिक्स ठीक है लेक्चर फाइव मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट डेज वाला है और लेक्चर सिक्स ये दोनों आप लोगों ने लाजमी देखने अगर किसी ने नहीं देखे तो चौधरी खलीकुल जमान साहब जोन से हैं उन्होंने ये किताब लिखी है पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर बड़ी अच्छी जोनसी है ये किताब है के के अजीज साहब की भी किताबों का नाम पूछा जाता है के के अजीज की मर्डर ऑफ हिस्ट्री है आयशा जलाल साहिबा की है कायदे आजम के ऊपर जो कायदे आजम की जो बायोग्राफी है द सोल स्पोक्समैन ठीक है वो इनकी बुक है बड़ी अच्छी है फिर स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान इनकी बड़ी अच्छी किताब है आयशा जलाल साहिबा की तो ये बुक्स जोन सी हैं लाजमी पूछी जाती हैं फरूक लगारी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट कब बने फरूक लगारी साहब जो नवंबर नाइनटीन नाइनटी थ्री के अंदर प्रेसिडेंट बने ये दोनों सवाल जो उनसे हैं दो दफा रिपीट हुए हैं एक तो ये प्रेसिडेंट बने कब और उसके बाद इन्होंने ये प्रेजिडेंटशिप से हटे कब नवंबर 1993 में ये प्रेसिडेंट बनते हैं और बीबी -बी की गवर्नमेंट आज वैसे भी सताइस दिसंबर है तो बीबी -बी का जो योम शहादत भी है तो बीबी -बी की गवर्नमेंट को इन्होंने टॉप हटाया था फिफ्टी वन, फिफ्टी त, फिफ्टी क्या था एट टू बी अट्ठावन टू बी फिफ्टी एट टू बी को यूज करते हुए और दिसंबर नाइनटी सेवन में फिर इनसे इस्तीफा लिया गया और उसके बाद जोन सा है फिर रफीक तारड़ साहब पाकिस्तान के क्या है प्रेजिडेंट बन गए प्रेजिडेंट वाला प्राइम मिनिस्टर वाला और जो आपके गवर्नर जनरल है उसके ऊपर जुबैर ने डिटेल में मेरे में मेरे ख्याल आप लोगों को चीजें बताई हैं तो उसमें आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी न्यू गवर्नर न्यू गवर्नर पंजाब टू अच्छा न्यू गवर्नर कौन है जी मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है न्यू गवर्नर पंजाब के इस टाइम पर गवर्नर कौन है सॉरी चौधरी कह रहा हूँ बलीकुर रहमान साहब जो इस टाइम पर पंजाब के गवर्नर है उनका क्या नाम है बलीक रहमान सारे गवर्नर आने चाहिए सिंध के कौन है कामरान टैसोरी साहब बलोचिस्तान में कोई गवर्नर नहीं है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सैयद महदी हैं और के पी के अंदर हाजी गुलाम अली ठीक है हाजी गुलाम अली तो ये सारे गवर्नर आपको आने चाहिए इस टाइम पर जो जो, जो, जो गवर्नर मौजूद हैं तो न्यू गवर्नर जो है उन्होंने तीस मई को जो है वो हल्फ उठाया था तो कहीं ये थर्टी एट्थ गवर्नर है ये जो नए गवर्नर हैं अब इसमें काफी बुक्स काफी जगह पे आपको वो मिलेगा थर्टी नाइन्थ गवर्नर जी जिब्बली रहमान साहब लेकिन मैंने जोन सा इसको दोबारा लास्ट टाइम भी ये मसला हुआ था तो मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले पंजाब की जो वेबसाइट है ऑफिशियल उसके ऊपर मैंने खुद काउंटिंग की है तो आप लोग भी उसको ओपन करके काउंट कर सकते हो कि जो बली रहमान साहब है वो थर्टी एट गवर्नर जोन से हैं वो क्या है पंजाब के हैं तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट है विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ तो इसमें आप लोग कहोगे कि सर अब तो क्या कहते हैं वो मरकरी है तो लेकिन हम जोनसा है क्योंकि हमारे जो इदारे हैं हमारा पीपीएससी है एफ है वो ओल्ड पैटर्न के ऊपर काम करता है तो हम वीनस ही करेंगे हालांकि 2019-20 के अंदर ये डिस्कवरीज हो चुकी हैं अब वो कह चुके हैं कि मरकरी जोन सा है वो सन से भी सबसे क्लोजेस्ट है और अर्थ के भी सबसे क्लोजेस्ट जोन सा है वो मरकरी है लेकिन जो एफ पी एस सी की भी अभी की है उसके अंदर भी वो वीनस को ही एक्सेप्ट कर रहा है तो हम जोनसा आपको पता होना चाहिए कि अब नई अपडेट साइंसदानों ने नई डिस्कवरी की है लेकिन हम जोन सा है वो वीनस की तरफ ही जाएंगे तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है ट यू टू इंसिडेंट जो है ये 1960 मई के अंदर फर्स्ट मई 1960 में हुआ क्या था बेसिक, बेसिक, जल्दी सा इसका बता देता हूँ त्यारा उड़ता है और उसको क्या करते हैं उसका नाम होता वो त्यारा होता है यू उसको क्या करता है जो सोवियत यूनियन है यूएसएसआर है वो उसको गिरा देता है तो उस इंसिडेंट को क्या कहते हैं यू इंसिडेंट यू ये त्यारा है आसान सा सवाल फीफा 2022 ट्वेंटी टू फीफा 2022 ट्वेंटी टू कहा हुआ है जी कतर के अंदर हुआ है वो अब, आ, मैं करंट में बताऊंगा आपको अभी सबको बल्कि पता भी है कि अर्जेंटीना ने जोन सा है ये जीता है फ्रांस को हरा के तो हम जो सा है इसको करंट अफेयर्स के अंदर दोबारा भी देखेंगे और फीफा 2026 ट्वेंटी सिक्स कहां हो रहा है जी फीफा 2026 ट्वेंटी सिक्स जोन सा है वो मेक्सिको के अंदर यूएसए के अंदर और कैनेडा के अंदर अब कहा हुआ है अगला जो होना है वो कहाँ होना है तो ये सारे आप लोगों को आने चाहिए विंटर ओलंपिक्स एक होता है समर ओलंपिक्स समर ओलंपिक्स 2022 के सॉरी समर ओलंपिक्स 2021 के अंदर हुआ था आपका जो कि जिसको हम टोक्यो ओलंपिक्स कहते हैं जिसमें पाकिस्तान ने कोई मेडल नहीं जीता था फिर एक हुआ था विंटर ओलंपिक्स फिर आपका क्या हुआ था विंटर ओलंपिक्स इसके अंदर पाकिस्तान ने एक मेडल जोंसा है वो डिस्कस थ्रो के अंदर पाकिस्तान सॉरी पाकिस्तान ने इसके अंदर एक मेडल जोंसा है वो जीता था विंटर ओलंपिक्स के अंदर तो डिस्कस थ्रो वाला डिफरेंट था तो विंटर ओलंपिक दो है 2022 ये कहा हुआ था चाइना के अंदर हुआ था जी आपका विंटर ओलंपिक्स 2022 जो उनसा है वो आपका बाईस हुआ है हुआ था ये चाइना के अंदर हुआ था नेक्स्ट अब 2026 में होगा और वो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है वो इटली के अंदर होगा वो हमारे पास क्या होगा इटली के अंदर होगा ठीक है तो ये भी आप लोगों ने जैसे कतर का भी बताया जो हुआ है एक उससे पहले वाला इवेंट आपको पता होना चाहिए कहां हुआ था एक जो करंट हुआ है और एक अगले आने वाला जो इवेंट है वो भी आपको पता होना चाहिए तो पीपीएससी और एफ ये सारे इवेंट्स पूछे जाते हैं इंदिरा गांधी साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी इनके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जब शिमला एग्रीमेंट हो रहा था तो एक साइड पे भूटो साहब थे एक साइड पे इंदिरा गांधी साहिबा थी तो इन्होंने जोनसा है एमरजेंसी लगाई थी मुल्क के अंदर वो कब लगाई थी 25 जून 21 महीने तक ये एमरजेंसी चली थी और एमरजेंसी जो, जो इंदिरा गांधी ने मुल्क में लगाई थी इंडिया में वो खत्म हो गई थी तो हमारे पास इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है शुगर जो आपकी प्रेजेंट होती है मिल्क के अंदर आसान सवाल है उसे क्या कहते हैं जी उसको लेक्टोज कहते हैं हमारे पास करेक्ट लेकटोज हम उसको कहते हैं अच्छा जी शेप ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी तीन तरह की टाइप्स है जी मिल्की वे सॉरी तीन तरह की टाइप्स है गैलेक्सीज को तीन तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया अब कहते हैं चार भी हैं लेकिन हम तीन ही याद करेंगे उसमें एक स्पाइरल है एक इलिप्टिकल है और इरेगुलर है उसमें क्या है इरेगुलर ये तीन टाइप्स है उसकी तीन तरह की लेकिन जो हमारी गैलेक्सी गलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं जिसमें हमारी अर्थ है हमारा जोन सा है वो क्या कहते हैं सारी हमारे प्लान स्टार्स वगैरह है उसको हम उसका नाम क्या रखा है उसका हमने नाम रखा है मिल्की वे गैलेक्सी उसकी उसकी वो किस उसकी शकल किस शक्ल तरह की है शेप किस तरह की है तो वो है स्पाइरल वो क्या है स्पाइरल तो मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी और उसकी शक्ल किस तरह की है स्पाइरल तीन तरह की जो टाइप्स बताई है ना स्पाइरल इलिप्टिकल और इरेगुलर तो हमारी वाली जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसकी शेप क्या है उसकी है स्पाइरल बी ऑप्शन हमारे पास क्या है इसकी करेक्ट है

ओ आई सी की अभी रिसेंटली जो सी है वो मीटिंग हुई स्पेशल गेस्ट उसके अंदर एक मुल्क को क्योंकि ओ आई सी क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक इस्लामिकेशन जो कि इस्लामिक वर्ड रहा है इस्लामिक तो इसमें जो हैं वो कौन होंगे सारे इस्लामिक मुल्क होंगे इसमें कौन होंगे सारे जो इस्लामी मुल्क हैं वो इसके मेंबर होंगे ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है सारे जो इस्लामी मुल्क हैं वो इसके क्या होंगे वो इसके जो हैं वो मेंबर्स होंगे तो अब इसमें चाइना कैसे आ सकता है तो गेस्ट क्या है स्पेशल गेस्ट के वजीर खारजा हैं जैसे हमारे वजीर खारजा कौन है बिलावल भूटा जरदारी तो वहां के जी साहब जोन से वो आए थे और ये कॉन्फ्रेंस किसके रिलेटेड थी इसमें ज्यादातर जो बात की गई थी वो अफगानिस्तान के इशू के रिलेटेड बात की गई थी तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है जो है उसका फॉल कब हुआ सुल्तान मोहम्मद फाते साहब है उन्होंने जोनोपल जिसको अब जो है आपका कहा जाता है तो फोर्टीन के अंदर ए ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या है Correct है वर्ल्ड बैंक हम देख चुके हैं 1944 के अंदर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई उसके तहत वर्ल्ड बैंक भी का क्या भी अमल में लाया गया और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो भी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत जो है अमल दरामद उसका हुआ और वो हमारे पास क्या है वो हमारे पास 1944 के अंदर ये दोनों जो हैं वो वो आपकी होती तो ऑप्शन हमारे पास क्या है है करेक्ट इंटरनेशनल इंटरनेशनल मदर मदर लैंग्वेज लैंग्वेज डे 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 अगेन कह रहा हूं कि और बुक्स वाले लेक्चर जिसने नहीं देखा उसको देख लीजिएगा नाइन फोर्टी फोर के फोर्टी सेवन नाइजर में हुई थी और फोर्टी एटी है वो अभी जो आपकी इक्कीस मार्च से लेकर तेईस मार्च तक हुई थी ऐसे ही है ना मार्च से लेकर हजार बाईस तक वो फोर्टी एट्थ मीटिंग थी ओ आई सी की फॉरन मिनिस्टर्स की अच्छा जी ओजोन जो है आपकी ओजोन लेयर आपकी जो ओजोन लेयर है वो आपकी कहा सबसे पहले आपके जो चार फेयर हैं उसमें सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फेयर आता है सेकंड नंबर पर आता है स्ट्रेटोसफेयर तो स्ट्रेटोसफेयर जो उसके अंदर आपकी जो ओजोन लेयर है जो आपको अल्ट्रावायलेट वायलेट रे, वायले रेडिएशन से बचाती है तो वो आपकी ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है स्टेटोस्फेयर के अंदर तो बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास इसके अच्छा जी आपके पास रिवर चनाब एंड रिवर जेहलम ये कहाँ मिलते हैं जी आके ये जियोग्राफी में आप लोगों को करवा चुका हूँ पुराने स्टूडेंट्स को तो हेड त्रिमू के ऊपर जी उच्च वाली साइड पे ये उधर मेरे ख्याल में है हेड त्रिमू ठीक है जो तो, सॉरी उच्च कह रहा हूँ तोनसा वाली साइड पर तोनसा वाली साइड पर जो सा आपका हेड आता है हेड त्रिमू तो हेड है उसके मुकाम के ऊपर आपका जो चनाब है और जेहलम जोन है ये दोनों आकर क्या है मिल जाते हैं और उसके बाद जो है ये आगे जाके सारे फिर पंजनद के अंदर गिर उसके साथ मिल जाते हैं अच्छा जी चोलिस्तान डेजर्ट चोलिस्तान डेजर्ट को क्या कहते हैं साउथ पंजाब वालों को पता होगा खासतौर पर बहावलपुर वालों को तो रोही कहते हैं जी चोलिस्तान डेजर्ट जोन है उसको क्या कहते हैं रोही कहते हैं बी ऑप्शन हमारे पास क्या है इसकी करेक्ट है इस तरह थल जोन सा आपका अपर यहाँ ये जो आपका एरिया है चकवाल साइड पे इस साइड पे अपर पंजाब वहां आ जाता है फिर थर, थर का डेजर्ट है जो कि आपका सिंध वाली साइड पर आ जाता है इसको बताने की जरूरत नहीं है कि विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन तो पहले बता चुका हूं कि मरकरी ठीक है मरकरी जो सा है वो क्या है जब भी आएगा तो मरकरी क्लोजेस्ट टू सन मरकरी लगाओगे और क्लोजेस्ट टू अर्थ लगाओगे तो वो वीनस लगाओगे हालांकि अब जो नई रिसर्च के मुताबिक क्या है मरकरी है लेकिन आप लोग जो पीपीएससी जो मानती है हम या एफ हम उसकी बात मान लेते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस तो सर फ्रांसिस मोडी साहब सर फ्रांसिस मोडी साहब जो जब पार्टीशन हो गई पंजाब की पाकिस्तान की 1947 के अंदर तो उसके बाद पाकिस्तान के पंजाब के पहले गवर्नर कौन थे सर फ्रांसिस मोडी साहब उसके बाद दूसरा सवाल पूछा जाता है कि सेकंड गवर्नर कौन थे पंजाब के तो वो थे सरदार अब्दुल रब रबनिश्तर ठीक है सेकंड गवर्नर कौन थे पंजाब के सरदार अब्दुल रब निश्तर थर्ड कौन थे आई आई चुंद्रीगढ़ साहब और चौथा सवाल एक पूछा जाता है कि फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब तो पहले मुस्लिम गवर्नर पंजाब कौन बनेंगे वो भी सरदार अब्दुल रब निश्तर बनेंगे ठीक हो गया क्योंकि फ्रांसिस मोदी साहब जो थे ये मुसलमान नहीं थे तो उसके बाद दूसरे नंबर पर अब्दुल रब निश्तर साहब बने तो ये मुसलमान थे तो पहले मुसलमान है और ये सेकंड ओवरऑल इनका नंबर क्या है सेकंड है तो ये भी आप लोगों ने इसको याद रखना है फर्स्ट म्यूजिशियन ऑफ सब कॉन्टीनेंट तो बड़ा आसान है अमीर खुसरो साहब जो उनसे है उनको क्या है उनको फर्स्ट म्यूजिशियन ऑफ सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है तानसेन का बताया है उस दिन हमने टाइटल देखा था कि ये मियाँ का टाइटल इसको दिया गया था बीरबल ये भी नौ रत्नों में से है अकबर का तो ये सारे जोन से हैं हम पहले देख चुके हैं तो ये थोड़ी सी आप लोगों को अपने माइंड के अंदर रिवीजन कर लिया करो कोशिश होती है कि मैं फिर भी रिवीजन करवा दिया करूँ आप लोगों की लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर इसके रिलेटेड रिवीजन कर लिया करो अच्छा जी शालीमार गार्डन याद रख लो शालीमार जो बाग है शालामार शालीमार जो भी है वट एवर शालीमार जो गार्डन है ये दो हैं एक लाहौर के अंदर है एक आपका कश्मीर के अंदर है जब मैं इसको टॉपिक वाइज पढ़ाता होता हूं तब तो मैंने ये बताया हुआ है लेकिन मैंने कहा यहाँ आप लोगों को भी आज क्लियर कर इसको कि दो शालीमार बाग है जो शालीमार बाग लाहौर है नाइनटीन सॉरी वन में ये स्टार्ट होता है और सिक्सटीन फोर्टी टू में ये कंप्लीट हो जाता है तो जो मुगल बादशाह था शाहजहां उसने इसको बनाया था जो मुगल बादशाह है शाहजहां उसने जो है इसको बनाया था लेकिन जो कश्मीर वाला है जो कश्मीर श्रीनगर के अंदर है जो इंडिया का इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है जो वहां है वो जहांगीर ने बनाया था इसकी बेगम थी नूरजहां इसकी एक बेगम थी जहांगीर की उसका नाम था नूर जहां इसने उसकी याद में बनाया था सोलह के अंदर ठीक है तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी ए, शालीमार गार्डन श्रीनगर आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि वो किसने बनाया था तो वो शाहजहां ने नहीं बनाया था वो जो है जहांगीर ने अपनी बीवी नूरजहाँ की याद के अंदर 1619 के अंदर जो है वो बनाया था अगेन

हेरोडोटस हेरोडोटस साहब जोन से हैं ये क्या थे हिस्टोरियन है ये क्या थे हिस्टोरियन थे? थे और दूसरी चीज एक तो ये तो पीएमएस के अंदर पूछा गया था दूसरा पी के अंदर एक सवाल पूछा गया था हेरोडोटस के हवाले से इस भाई साहब को क्या कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं इस भाई साहब को क्या कहते हैं इस भाई साहब को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है तो अगर पूछ लिया जाएगा हु वाज हु हु इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री तो हेरोडोटस साहब जोन से इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है फेडरल शरीयत कोर्ट इसको भी हम देख चुके हैं 1980 के अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट बनती है आपकी जियाउल हक साहब के दौर के अंदर दोनों सवाल पूछे गए हैं कि फेडरल शरीयत कोर्ट किसके दौर के अंदर बनी थी तो जियाउल हक साहब के दौर के अंदर बनी थी और अगर साल पूछ लिया जाए तो साल कौन सा है आपका उन्नीस सौ अस्सी उसके अंदर ये फेडरल शरीयत कोर्ट जोन है वो आपकी बनी थी फर्स्ट सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर इसको भी पहले देख चुके हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जोन से है जनरल याहिया के बाद जो से है ये क्या है आपके जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पहले पाकिस्तान के पहले और आखिरी आखिरी का तो शायद नहीं पता लेकिन अभी तक के लिए पहले जो पाकिस्तान के सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर ला एडमिनिस्ट्रेटर जो उनसे हैं, वो आपके कौन थे वो आपके जो उनसे हैं, वो अली हैं। वो आपके क्या हैं जुल्फिकार अली भुट्टो ठीक है मार्शल ला एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा जी उसके बाद जो उनसा है उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट बंगाल गई उसके बाद जो है जो पाकिस्तान था, उसका पहला गवर्नर कौन था जोन से जो है, है? है. तो जो है वो पहले जोन से है वो क्या थे ईस्ट बंगाल के ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर बने फर्स्ट सी ऑफ पाकिस्तान आर्मी पहले सी एन कौन था जी कमांडर इन चीफ कहते हैं जी पहले कमांडर इन चीफ का होता था 1972 के बाद जो है, फिर इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंदर बदल गया इसका नाम चेंज कर दिया गया तो पहले कमांडर इन चीफ जो हैं, वो कौन थे कमांडर इन चीफ साहब जो हैं, वो पहले वो कौन थे, पहले कौन थे? दूसरे कौन थे डॉगलेस ग्रेसी साहब और तीसरे कौन थे अयूब खान साहब और अयूब खान पहले मुसलमान कमांडर इन चीफ भी थे ये भी सवाल पूछा जाता है ठीक है या आगे पाकिस्तान अफेयर्स के में फिर करवा भी दूंगा सारे पहले जैसे आपके जो नेवी के थे फिर पेरिकैनी साहब जो एयरफोर्स के थे तो ये सारे आप लोगों को आइडिया होना चाहिए लेकिन इसके अंदर क्या पूछा गया है आर्मी का तो आर्मी का फ्रैंक वॉल्टर मैसरवी जो से है वो थे तो ए ऑप्शन करेक्ट है एंगला मर्कल साहिबा कौन है जी एंग एंग मरकल साहिबा एंगला मरकल साहिबा जो जर्मनी की चांसलर थी तो 2022 तक जो उनका है 2022 तक जो उनका है एंगला 2021 तक सॉरी एंगला मर्कल साहिबा रही हैं 16 साल तक जो चांसलर होता है उसका चार साल का चार साल का टेन्योर होता है जर्मनी के अंदर तो ये चार दफा रिकॉर्ड चांसलर बनी है जर्मनी की तो टोटल कितना हो गया इनका 16 साल 16 साल तक ये जर्मनी की रही है चांसलर और अब जो सा है मौजूदा कौन है ओलफ शोल्स ओलफ शोल्स ओ एल ए एफ

पाकिस्तान जो है, वो 21 अक्टूबर 2022 को लिस्ट लिस्ट से बाहर आ चुका है तो तो अगर अगर इसके अकॉर्डिंग उस टाइम पर सवाल ये पूछा जाता था, तो ग्रे लिस्ट था लेकिन आज के मुताबिक अगर हम इसको आज सॉल्व कर रहे हैं कोई कुछ लोग बाद में भी देखेंगे तो वो कहेंगे सर ने ये क्या ब्लेंडर कर दिया तो आज के मुताबिक हम क्या कहेंगे नन ऑफ दीज पाकिस्तान एफएटीएफ की किसी भी लिस्ट में नहीं है ना ही ब्लैक लिस्ट में है ना ही ग्रे लिस्ट में है ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान को 12 वोट भी चाहिए थे लेकिन पाकिस्तान 21 अक्टूबर 2022 को उससे क्या है बाहर आ चुका है ठीक हो गया तो बी ऑप्शन नन ऑफ दीज हमारे पास शॉर्टकट की फॉर हाइपर लिंक हाइपर की लिंक की क्या होती है कंट्रोल प्लस के आपने कोई ए, आप क्या कहते हैं कोई डॉक्यूमेंट के अंदर है उससे आप किसी एक्सटर्नल सोर्स पर जाना चाहते हैं ब्राउजर के अंदर जाना चाहते हैं फेसबुक का कोई लिंक डालना चाहते हैं तो आप हाइपर लिंक के थ्रू जो है वो डाल सकते हैं तो हाइपर लिंक जो है, वो क्या है वो आपका कंट्रोल प्लस के से हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है आई से आप इनको अटैलिक कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस ई किसकी की होती है कंट्रोल प्लस ई होती है अल्लाह भला करे आपकी सेंटर अलाइन अगर आपने सेंटर अलाइन करना हो अभी ये जो मेरे सारा ये जो स्लाइड्स बनी हुई है ना इसके अंदर ये जो जितना वर्ड्स हैं ये क्या है लेफ्ट अलाइन है लेफ्ट वाली साइड पर झुके हुए हैं तो कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट हो जाता है अगर मैंने इनको राइट right पर लाना होता तो मैं सारा कंट्रोल प्लस आर दबाता ये सारे इस साइड पर चले जाते ये कंट्रोल प्लस आर राइट पे अगर मैंने इनको दरमियान में ऐसे लटकाना होता तो फिर मैं कंट्रोल प्लस ई दबाता तो इससे फिर क्या हो जाता सेंटर अलाइन हो जाता इससे क्या होता सेंट्रल अलाइन हो जाता नहीं पाकिस्तान वाइट लिस्ट में नहीं है याद रखो शायद आप जो आप उसके नए स्टूडेंट हो तो मैंने ये डिटेल के अंदर पहले लेक्चर्स में बताया हुआ है करंट फेज में भी बताया हुआ है कि व्हाइट लिस्ट कोई एग्जिस्ट नहीं करती एफ की सिर्फ दो लिस्ट है एक ग्रे लिस्ट है और ब्लैक लिस्ट है अगर आप ग्रे लिस्ट से निकलते हो वाइट लिस्ट कोई एग्जिस्ट नहीं करती ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है आप लोग पढ़े लिखे हो कि व्हाइट लिस्ट कुछ भी नहीं होता ठीक हो गया ंदारा सिविलाइजेशन है उसका सेंटर क्या है टेक्सला आपका जो टेक्सला है वहां बुद्धिज्म जोनसी है तो गंदारा सिविलाइजेशन का जो सेंटर है वो क्या है आपका टेक्सला बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट है अच्छा जी लंदन इज सिचुएटेड ऑन ये भी ऑलरेडी रिपीट हो चुका है तो बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को पता होगा थेम्स थेम्स रिवर रिवर के ऊपर आपका लंदन शहर है और वोल्गा रिवर कहाँ है जी मीकोंग जोन सा है ये तो आपका चाइना के अंदर है वोल्गा रिवर यूरोप का सबसे बड़ा रिवर वोल्गा रिवर जोन है यूरोप का सबसे बड़ा रिवर है और ये कहाँ है ये आपका रशिया का वोल्गा रिवर जोन है आपका रशिया के अंदर ठीक हो गया तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है स्टॉक मार्केट आजकल आप लोग रोज सुन रहे हो स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है ये के साथ मुआदा नहीं हो रहा आज इतने शेयर डूब गए आज इतने शेयर डूब गए कंपनी के तो जो स्टॉक मार्केट है वो कौन मैनेज करता है एसई सी पी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये भी करंट अफेयर में मैंने लिखा हुआ है मैंने आप लोगों को ये करवाना है इनके नए चेयरमैन आए हैं एसईसीपी के नए चेयरमैन आए हैं आकिफ आकिफ ठीक है ए के आई एफ आकिफ अहमद मेरे ख्याल में उसका नाम है अगर मुझे भूल गया है. तो ये मैं आपको करंट अफेयर्स में करवाऊंगा तो एस सी सी पी जो है स्टॉक मार्केट को मैनेज करता है कि उसके अंदर कोई कार्टल माफिया ना बन जाए हालांकि बने हुए हैं लेकिन फिर भी एस सी सी पी जोन है ये इदारा स्टॉक मार्केट को क्या करता है मैनेज करता है कलर ऑफ ताजमहल जोन है वो किस वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है बड़ा रिपीटेड सवाल है एन टू ओ की वजह से ठीक है एन टू ओ जो सॉरी एन टू ओ नहीं सल्फर ठीक है एस टू सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड जो उनसा है उसकी वजह से जो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है ताजमहल उसका जो सा कलर हो रहा है वो सल्फर के जो ऑक्साइड हैं एसओ टू खास पर और सल्फर ऑक्साइड उसकी वजह से जो है उसका कलर जो उनसा है वो क्या है खराब हो रहा है तो ये ऑप्शन हमारे पास लाइम स्टोन जो आपके पत्थर हैं वो तीन तरह के होते हैं सेडिमेंट्री सॉरी जो आपके मोस्टली जो पत्थर रॉक्स हैं वो तीन तरह के आपके पास पत्थर होते हैं एक आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इग्नियस रॉक्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं तो जो लाइम स्टोन है इस तरह सेंड स्टोन भी होता है ये आपके सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जी अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं ये जो आपके पत्थर जब आपके जैसे पहाड़ों में से जैसे पानी आ रहा है तो उनके साथ इरोजन हो के छोटे जो इरोजन के साथ बन रहे होते हैं छोटे पत्थर और ये पोरस होते हैं इन ये क्या होते हैं पोरस, है, पोरस होते हैं इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स जोन से है उनकी एग्जांपल है लाइम स्टोन हो गया सेंड स्टोन हो गया तो ये ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या है करेक्ट है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगेन मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है जो पहले सिलेक्शन को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा ये वही है सर सर अब्दुल रशीद साहब जस्टिस अब्दुल रशीद साहब चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने कायदे आजम साहब से हल्फ लिया था तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट पहले चीफ जस्टिस कौन है पाकिस्तान के जस्टिस अब्दुल रशीद फ्लाइंग हॉर्स फ्लाइंग हॉर्स किसका टाइटल है ये अभी न्यूज में भी रहे हैं समी उला समी जोन से है ये हॉकी के प्लेयर हैं ठीक है समी उला है, है ये आपके हॉकी के प्लेयर है और इनका इनको क्या कहा जाता था इनको फ्लाइंग हॉर्स वो कहा जाता था तो इनका ताल्लुक कौन सी फील्ड से है हॉकी से है, वो इनका ताल्लुक है ये भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं 1965 की वॉर कितने दिन तक कंटिन्यू की थी 6 सितंबर को इंडिया हमला करता है पाकिस्तान के ऊपर तो 6 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक जो है ये वॉर चलती है तो 17 दिन तक चौन सी है ये आपकी जंग चली लेकिन अगर 1971 की जंग की जंग बात करें तो वो कितने दिन चली थी थर्टीन डेज वॉर उसको कहा जाता है फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है जी 21 मार्च को फॉरेस्ट डे जो आपके जंगलात है उसका दिन मनाया जाता है तो 2022 का उसका थीम पूछा गया था जीके के अंदर जो अभी पीएमएस का पेपर हुआ था तो वो है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्शन तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है इसकी करेक्ट है हमारे पास क्या है इसकी ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है हैप्पीनेस इंडेक्स इंडेक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट है सारे करंट अफेयर्स के अंदर आप लोगों को जो जो इंडेक्सेस आते हैं वो साथ साथ तो मैं करवाता रहता हूँ वैसे कोशिश करें करूंगा अगर इसी जीके सीरीज के अंदर एक दफ़ा अगर कंपाइल हो जाए तो दो या बाईस के जितने इंडेक्स है ना उनको एक दफा ही हम कर लें चलो इसको देखते हैं अगर मेरे जहन में रह गया ना तो हम ये करेंगे कंट्री इज ऑन टॉप रैंक इन हैप्पीनेस इंडेक्स इसमें डिफरेंट है हैप्पीनेस इंडेक्स का यूनाइटेड नेशंस जायजा लेता है तो उसमें फिनलैंड फिनलैंड ने 2022 के अंदर जोन सा टॉप किया है तो पाकिस्तान का रैंक क्या था जो कि एफ में भी पूछा गया इक्कीस एक सौ इक्कीस इक्कीस नहीं एक सौ इक्कीस तो पाकिस्तान का भी आप लोगों ने क्या रखना है याद रखना है ठीक हो गया एक सौ इक्कीस हाउ मेनी प्रेजिडेंट्स ऑफ यूएसए चार असैसिनेट हुए जी चार असैसिनेट हुए सबसे पहले इब्राहिम लिंकन साहब हुए फिर एक और थे गारफील्ड उनका नाम था वो असैसिनेट हुए फिर मैकेनल साहब हुए

ये जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो यूज किया गया था तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये बड़ा क्या है? इस पे आप डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड चीजें देखते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है लेकिन जो एक्सल है वो क्या है स्प्रेडशीट है तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है इसकी करेक्ट है. है ये जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स है वो इसको अच्छी तरह जो है वो समझेंगे वो इसको क्या है अच्छी तरह जो सा है वो समझेंगे कि हेडर एंड फुटर जो सा है वो पावर पॉइंट के अंदर वो कहाँ होता है उसका ग्रुप कौन सा होता है वो होता है टेक्स्ट ठीक है ये मैं उनको करवा चुका हूं ऑलरेडी कि हेडर एंड फुटर जो सा है वो पावर पॉइंट के अंदर उसकी जो कैटेगरी या ग्रुप होता है वो क्या होता है वो होता है टेक्स्ट लेकिन अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड में उनके ग्रुप का ही नाम क्या होता है या उसकी जो कैटेगरी है उसका क्या नाम होता है उसका नाम होता है हेडर एंड फुटर उसका क्या नाम होता है

ये मेंडल साहब ने दिया था ए ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट है ए ऑप्शन मेंडल तो ये किसके जींस जो हैं जैसे इंसान के जो जीन्स होते हैं उसके रिलेटेड ये लॉ था तो ये आपका जो सा है मेंडल साहब जो उन्होंने ये लॉ दिया था तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है इसकी करेक्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स अभी मैं ये आप लोगों को बता चुका हूं पोरस होती है जी सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि इरोजन से बनती हैं आपकी इरोजन जब हो रही होती है तो ये आपकी क्या होती है पोरस होती है सी ऑप्शन हमारे पास क्या है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं तो सी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट पंद्रह जून को अच्छा अब आप देखोगे आप एक चीज जो आप में से पीएमएस देना चाह रहे अगले साल आप इसमें चीज देख रहे हो गे पी मेरे ख्याल में आपका हुआ है जुलाई के अंदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग जुलाई या जून अगस्त जून जुलाई अगस्त इसी दो तीन महीनों के अंदर हुआ था मुझे अभी एग्जैक्ट डेट नहीं याद तो उसके रिलेटेड एक मंथ के अंदर जो डिवेलपमेंट थी वो सवाल पूछे गए उसी टाइम जो सीएम बने थे उसी दौरान साहब तो तो गया तो उस टाइम पर क्या हुआ जो बलीगु रहमान साहब थे जो गवर्नर थे उन्होंने क्या किया उन्होंने एक 15 जून को उन्होंने 15 जून को एक ऑर्डिनेंस निकाला ठीक है ऑर्डिनेंस क्या होता है ऑर्डिनेंस आपका फेडरल सतह पे प्रेसिडेंट जारी करता है और प्रोविंस की सतह पे गवर्नर जारी करता है 15 जून को एक लॉ ये सवाल भी पूछा गया था पीएमएस के अंदर कि किस ये जो लॉ है द पंजाब एंड रिमूवर ऑफ डिफिकल्टीज ये ये लॉ है है कब ये क्या है? ये ऑर्डिनेंस था और इसका मकसद क्या था ये गवर्नर ने जारी किया इसका मकसद ये था कि जो स्पीकर था उसकी पावर को लिमिट किया जाए अगर आप अब जून 2000 जून 2022 में जाओ तो उस टाइम पर स्पीकर कौन थे स्पीकर थे चौधरी परवेज अलाई साहब

विकिपीडिया या डिफरेंट क्या कहते हैं पाक एमसीक्यूज या कोई वेबसाइट्स नहीं कोई अथेंटिक सोर्स कोई बुक अगर किसी को कोई मिलती है कोई लिंक मिलता है तो मैं इसके ऊपर डिस्कशन के लिए ओपन हूं ठीक है आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो मैं इसके ऊपर बिल्कुल आप लोगों से एग्री करूंगा अगर मुझे वो सोर्स आप दिखाते हो जितना मैंने लास्ट टाइम भी इसको इसके ऊपर किया था तो स्टूडेंट्स ने कुछ इतना उठाए थे तो मैंने तब भी उनको समझाया था कि मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक जितनी मैं इस पर टाइम दे सकता था उसके मुताबिक जो सा है वो मेरे पास डाटा यही है जो मैंने डिफरेंट वेबसाइट से देखा इस्लाम डॉट ओ आर जी उस वेबसाइट से देखा एक दो और बुक से कंसल्ट किया बाकी अगर आप लोगों को कोई और अच्छा सोर्स मिलता है तो आप मुझे बता सकते हो इसके बारे में जितनी मेरी राय है वो मैंने इस स्लाइड में बता दिया है तो कुरान की पहली ट्रांसलेशन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो सी है वो किसके अंदर हुई थी वो पर्शियन के अंदर हुई थी वो किसके अंदर हुई थी पर्शियन के अंदर हुई थी तो निजामुद्दीन निजामुद्दीन साहब जो से है निजामुद्दीन नेशपुरी साहब जो से है ठीक है उन्होंने जो सा है ये की थी और उसके बाद जो सा सिंधी के अंदर भी ट्रांसलेशन हुई है अखुंद अजीजुल्ला साहब जो हैं उन्होंने की थी उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन जो सी है वो अल्लाह भला करे आपके अब्दुल क्या नाम है उनका अब्दुल कादर अब्दुल कादर आई थिंक उनका नाम अब्दुल कादर जिलानी एक अब्दुल कादर वो डिफरेंट है ये बल्कि सॉरी अब्दुल कादर जलानी डिफरेंट है उर्दू में जिन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया था वो अब्दुल कादिर डिफरेंट है ठीक है तो ये सवाल जोन से है मेरे ख्याल के मुताबिक यही है मैंने इनको बहुत ज्यादा इनको ऊपर वो चीज़ों को दिमाग लगाया था एक दौर के अंदर तो मेरे मुताबिक यही है अगर कोई और आप लोगों को लगता है तो वो आप लोग मुझे इसका बता सकते हो बाद में कमेंट्स में भी बता सकते हो लेकिन मेरे ख्याल में जोन है वो यही है उस लेकिन यह है सब कॉन्टिनेंट अगर ओवरऑल भी पूछा जाए ना कि कुरान की सबसे पहले ट्रांसलेशन कब हुई थी तो वो भी पर्शियन के अंदर हुई थी ये याद रखो हजरत सलेमान फारसी से है ना उनके बारे में आता है कि हजरत सलेमान फारसी जोन से है उन्होंने सूरह फातिहा ये बल्कि सवाल पीपीएससी में पूछा गया था कि सबसे पहले किस सूरत की ट्रांसलेशन की गई थी तो हजरत सुलेमान फारसी के बारे सलमान फारसी के बारे में आता है कि उन्होंने सूरह फातिहा की जोन सी सबसे पहले ट्रांसलेशन की थी पर्शियन के अंदर फारिस के अंदर फार क्योंकि वो खुद फार, फारिस के रहने वाले थे तो उन्होंने सबसे पहले की की ट्रांसलेशन की थी ग्रैमी म्यूजिक के रिलेटेड होते हैं जी अरूज ये पहले बता चुका हूँ पाकिस्तान की सिंगर अरूज सिंगरूजताब जो उस टाइम पे नॉमिनेट हुई थी लेकिन ये विनर भी हैं पाकिस्तान की वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये ग्रैमी अवार्ड क्या है जीता है तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट नहीं सिंध नहीं आता सिंध नहीं आता सिंध जोन सा है वो वैसे पूछा जाता है सिंध के बारे में दो राय हैं दो राय हैं लेकिन अगर अगेन बता रहा हूं कि अगर आपको डिफरेंट सोर्स मिलता है तो आप लोग जो उनसे हैं वो जो ग्रुप्स में ऐड हो आप एडमिन को बता दो ठीक है वहां तक तस्वीर भेज सकते हो या कमेंट्स के अंदर कोई आपको लिंक मिलता है ऑथेंटिक विकिपीडिया के अलावा तो वो आप लोग मुझे बता सकते हो मैं इसको बाद में भी देख लूंगा ठीक हो गया नहीं शाह वली साहब जोन से वो नहीं है शाह वली साहब नहीं है विच वन इज नॉट कंप्यूटर हार्डवेयर तो माउस भी है स्क्रीन भी है हार्डवेयर एक्सपी जोन सा हार्डवेयर नहीं है ठीक है ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के अंदर आ जाता है तो ये आपका हार्डवेयर नहीं है तो सी ऑप्शन हमारे पास है correct है करेक्ट अच्छा जी 65, चलो दस और कर लेते सेवेंटी फाइव तक आज कर लेते हैं अभी आधा चालीस मिनट हुए चालीस पैंतीस मिनट हुए चलो दस एमसी की बस और जल्दी जल्दी कर लेते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज आपका एमएस वर्ड के अंदर कितना अवेलेबल होता है जी मिनिमम अवेलेबल होता है आपका आठ

ऑप्शन गुरदासपुर जो है वो इंडिया को दे दिया गया था जिसकी वजह से पाकिस्तान है अगर वो गुरदासपुर को मिला होता तो आज कश्मीर का हिस्सा होता तो सी ऑप्शन इसमें नॉमिनेटेड नहीं है ये देखो यहां रिसेंटली लिखा हुआ है जो आप बात कर रहे हो ना पाकिस्तान का पहला नॉमिनेटेड बिल्कुल ये जब मैंने करंट अफेयर्स के अंदर बताया था मैं अपने मैं स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बता चुका हूं कि पहला नॉमिनेशन हुई थी वो राहत फते नुसर की हुई थी दो दफा नॉमिनेट हो चुके हैं नुसर फतेह अली खान लेकिन उसमें सवाल जो पी में पूछा गया था वो था रिसेंटली कौन नॉमिनेट हुआ है और ये जीती है ठीक है अरूज आफ साहब जीती है वो नॉमिनेट होना और जीतना ये फर्क है और उस टाइम टाइमेंटली नुसरत तो नहीं थे ना रिसेंटली है वो अरूज आफ्ताब साहिबा थी अच्छा जी नेशनल नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है, उसको कब ऑफिशियली लॉन्च किया गया था जी चौदह जून सॉरी चौदह जनवरी ये जनवरी के करंट फेज में आपको करवाया था कि ये बार बार पूछा जाएगा तो 14 जनवरी 2022 के अंदर पाकिस्तान की पहली नेशनल पॉलिसी जो है उसको लॉन्च किया गया था ऑफिशियली तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या है इसकीक्ट है अच्छा जी प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री विजिटेड पाकिस्तान इन मार्च 2022 तो शौकत साहब आए थे उजबेकिस्तान प्रेसिडेंट हैं ये ठीक है तो उस टाइम पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इनकी मुलाकात हुई थी और उजबेकिस्तान जोन सा है उसके प्रेसिडेंट शौकत साहब जोन से वो पाकिस्तान आए थे मार्च दो में तो ऑप्शन हमारे पास क्या है इसकी करेक्ट है अब्दुल करीम नॉन एज लिटिल करीम ठीक है ये भी करंट अफेयर में आप लोगों को करवा चुका था कि अब्दुल करीम जो लिटिल करीम है ये कौन थे इनकी डेथ हुई थी जब पीएमएस हो रहा था उसके एक महीना पहले इनकी डेथ हुई थी माउंटेनियर जो माउंटेनियर हैं जैसे मोहम्मद अली सदबारा साहब जो हैं वो माउंटेनियर हैं तो इसी तरह जो है जैसे शहरोज काशिफ हैं इसी तरह लिट्टल करीम जोन है ये भी क्या है आपके कोह पेमा है को पेमा है ठीक है तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है इसकी करेक्ट है कश्मीरी लीडर मकबूल भट्ट उनको तिहाड़ जेल के अंदर दिल्ली के अंदर एक जेल है उसका नाम है तिहाड़ जेल तिहाड़ जेल के अंदर फांसी दी गई थी कश्मीरी लीडर थे ये तो 11 फरवरी 1984 के अंदर उनको क्या की गई थी फांसी दी गई थी उनको शहीद किया गया था तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है इसकी करेक्ट है अच्छा जी मंजूर कादिर साहब है फॉरेन मिनिस्टर थे, थे, थे अयूब खान की कैबिनेट के अंदर ठीक है अयूब खान के फॉरेन मिनिस्टर अली भुट्टो भी थे लेकिन उनसे पहले ये फॉरेन मिनिस्टर किसके थे अयूब खान के दौर के अंदर ये फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या है अच्छा जी यूरिकियन क्या होता है ये सारे यूरिकियन जो है ये सारी चीजें मैं आप लोगों को जो पहले बता चुका हूं लेकिन जो विंड है जब आपका एक तूफान स्ट्रॉम आ रहा होता है उसकी स्पीड 74 फोर माइल पर आर से बढ़ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम यूरोपियन कहते हैं ठीक है एक तूफान जो होता है विंड होता है जब उसकी स्पीड सेवेंटी फोर माइल पर आर से बढ़ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं यूरिकियन जो है कहते हैं तो ए ऑप्शन करेक्ट है यूरो करेंसी पहले बता चुका हूं ठीक है क्रोशिया वाला और टोटल 19 मुल्क है 20 हो जाएंगे तो ये कब ऑफिशियल लॉन्च किया गया था 1999 जनवरी 1999 के अंदर जो यूरो करेंसी जो है, उसको लॉन्च किया गया था तो सी ऑप्शन नाइनटीन सी ऑप्शन हमारे पास क्या है इसकी करेक्ट है ठीक हो गया अच्छा जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो आप इनकम कर रहे होते हो जो आपकी इनकम हो रही होती है उसके ऊपर आप जो खर्चा कर रहे होते हो वो आपका क्या डिपिक्ट कर रहा होता है वो आपका बजट के अंदर जो सरप्लस होता है या बजट का आपका जो खसारा होता है वो आपका ये बता रहा होता है ठीक है तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है इसकी सी ऑप्शन हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी करेक्ट हो जाएगी ठीक हो गया सी ऑप्शन अच्छा जी लास्ट एम आज का बाकी फिर इनशाला मेरे ख्याल में आप लोग भी थक गए हो तो कल इनशाला इसको देखेंगे यूएसएसआर ठीक है यूएसएसआर सोवियत यूनियन जिसको हम कहते थे तो यूएसएसआर के ऊपर अफगानिस्तान यूएसएसआर ने सॉरी अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था वो कब किया था बी ऑप्शन दिसंबर, ठीक है मेरे ख्याल में चौबीस दिसंबर है लेकिन दिसंबर जो जो सा है वो क्या है सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में हमला किया था और फिर 1989 के अंदर जो सा है वो सोवियत यूनियन जो सा है वो अफगानिस्तान से पूरे 10 साल बाद वो है निकल गया था ठीक है अभी रिसेंटली जैसे अमेरिका ने जो नाइन अलेवन के बाद हमला किया था अक्टूबर के अंदर तो वो पूछा गया था कि कौन से महीने में हमला किया था तो अक्टूबर दो हजार एक में हमला किया था तो ये सारे सवाल इस रिलेटेड जो है, वो क्या है पूछे जाते हैं ठीक है जी आज के लिए इतना ही कल यहाँ से इनशाला आगे स्टार्ट करेंगे 2021 के जोन से हैं कुछ इंपॉर्टेंट वो भी हम करेंगे 2021 में तो सॉरी हुआ नहीं था बीस वाला और 2019 वाला तो ये सारे कंपाइल हुए हुए हैं तो कोशिश करो कि टाइम पे आया करो कल भी इनशाला कोशिश तो है लाइव ही होगा आपका लेक्चर और परसों भी होगा रोज आपको ग्रुप में लिंक भी मिल जाएगा और दूसरी चीज जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि इस हफ्ते में जितने आपके लेक्चर्स होंगे मैक्सिमम पांच होते हैं छे अगर हुए तो मैं छठा लेक्चर भी इस दफा ले लूंगा तो उस सब का फिर आप लोगों का संडे को क्या हो जाएगा टेस्ट हो जाएगा अगर किसी का कोई सवाल जवाब है तो वो मुझे बता दो और उसके बाद जो सा है वो हम इन फिर क्या है कल हमारी आठ बजे दोबारा मुलाकात होगी ठीक है जी ठीक है जी इनशाला फिर कल आठ बजे मुलाकात होती है अपना ख्याल रखो और दुआओं में याद रखो अल्लाह हाफिज रब रखा